दिल्ली NCR में भीषण गर्मी से राहत जारी है। बुधवार को हुई हल्की बारिश के बाद तापमान और गर्मी में लगातार गिरावट दर्ज हुई है। दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-2 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड हुए। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार दिल्ली में शनिवार से मौसम साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। 9 मई तक अधिकतम तापमान के 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाने की संभावना है, जिसकी वजह से एक बार फिर से दिल्ली में लू का प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है और यह सिलसिला कई दिनों तक बरकरार रहेगा। दिल्ली में गुरुवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 22.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 37.01 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का स्तर 40-67% तक रहा। वहीं दिल्ली में आज यानी शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में हल्के से बादल दिख सकते हैं। नोएडा में अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 43 सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ रहेगा। गुरुग्राम की बात की जाए तो गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 41 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और यहां भी मौसम साफ रहेगा। वहीं शुक्रवार की सुबह दिल्ली में AQI खराब श्रेणी में 283 दर्ज हुआ है। नोएडा में 231 और गुरुग्राम में 253 रिकॉर्ड हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।